लोकसभा चुनाव को लेकर पीठासीन और मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। शहर के कांट रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में ईवीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे सत्र के चार दिवसीय ईवीएम ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस चार दिवसीय ईवीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम का ईद के दिन अवकाश रहेगा। मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने ईवीएम ट्रेनिंग केंद्र का निरीक्षण करने के साथ ही पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी लोग ध्यानपूर्वक सभी बातों को सुने और अच्छे से ट्रेनिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होंने आगे कहा कि ईद के दिन को छोड़कर चार दिन तक ये ट्रेनिंग कराई जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने आगे बताया कि दूसरे सत्र की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और चार दिन तक ये ट्रेनिंग चलेगी। ईद के दिन का अवकाश रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सभी को विस्तार पूर्वक सभी बातें बताई जा रही हैं और जहां कमियां हैं वहां सुधार भी किया जा रहा है। जितने भी मतदान में कर्मचारी अधिकारी लगेंगे उनके लिए वोट डालने की व्यवस्था वहीं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक और राजकीय पुरुष पॉलिटेक्निक में की गई है। आज जो है हमारी जो मतदान पार्टी है उसकी सेकंड ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जा रही है। अभी हम लोग महिला पॉलिटेक्निक में खड़े हैं, साथ साथ महिला पॉलिटेक्निक में 10 ऐसे कमरे हैं जहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है और हर कमरे में 13 के आसपास पार्टियाँ हैं। तकरीबन 50 लोगों के छोटे छोटे बैच में सबकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ जो एक और पॉलिटेक्निक है बगल में उसमें भी 11 कमरों में ट्रेनिंग चल रही है और ये ट्रेनिंग जो है आज चलेगी, कल छुट्टी रहेगी और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन और ये ट्रेनिंग चलेगी। क्या विशेष बात बताई जा रही है सर? पीठासीन और P1 का तो प्रथम ट्रेनिंग भी हो चुकी है, उन लोगों को एक ब्रीफ आइडिया दे दिया गया था कि कैसे प्रक्रिया पूरी करनी है। जो भी कमीशन के निर्देश आए हैं, जो भी गाइडलाइंस आई हैं, उनकी जो डायरी में लिखा हुआ उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ साथ क्योंकि पहली बार पार्टी एक दूसरे से मिल रही है तो उनको ये भी बताया जा रहा है कि आपस में एक दूसरे का नंबर शेयर कर लें, कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो आपस में उसको क्लियर भी कर लें। जितने भी कर्मी उनको वोट डालने के लिए क्या सुविधा की गई है? यहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर जो है महिला पॉलिटेक्निक में बनाया गया है दोनों कार्मिकों का, जो यहाँ पर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं साथ साथ जो पॉलिटेक्निक में ट्रेनिंग कर रहे हैं उन सब के लिए यहीं पर फैसिलिटेशन सेंटर है विधानसभा वाइज। उन लोगों को अपना EDC के माध्यम से या पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो भी अलाउड होगा उनको उस तरीके से अपना वोट कर सकते हैं।